हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में वॉइस टाइपिंग कैसे इनेबल करते हैं, यानी कि आप बोलते जाएंगे और सामने पेज पे टाइप होता चला जाएगा। और ये सिर्फ आप मतलब इंग्लिश में ही नहीं, आप अपनी भाषा में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं या कोई और भाषा अगर आपकी हो तो उसमें उसको आप सेलेक्ट करके उसमें भी आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो देखिये, आपके सामने गूगल डॉक्स का ब्लैंक पेज ओपन है। अब अगर हमें इसमें वॉइस टाइपिंग इनेबल करनी है तो हमें जाना होता है टूल पे। ये देखिए, टूल का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वॉइस टाइपिंग का। अब ध्यान से देखिएगा कि हम इसमें लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं। तो ये देखिए, वॉइस टाइपिंग का जो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए एक छोटा सा विंडो आपको शो हो रहा है वॉइस टाइपिंग का, ये दिख रहा है। अब इस ड्रॉपडाउन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सी भाषा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली, ये रही हिंदी, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिया। आप ध्यान से देखिएगा, हाँ एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप माइक्रोफोन लगाएंगे तो और अच्छी टाइपिंग होगी क्योंकि आपकी वॉइस एकदम क्लियर ये पकड़ेगा, ठीक है। बीच में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वॉइस टाइपिंग इनेबल हो जाएगी, फिर मैं जो भी बोलूंगा वो सामने टाइप होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आपने देखा जो मैंने बोला इसने सामने टाइप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप वॉइस टाइपिंग इनेबल कर सकते हैं गूगल डॉक्स में।